आज हम बताएंगे तीन तरीके से रोटी बनाना। रोटी कैसे गुब्बारे जैसी फूली फूली और गोल गोल नरम मुलायम सुबह से शाम तक बनी रहे। तो कुछ बातें ध्यान देने की है, आप जब भी रोटी बनाएंगे तो इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रोटी बनाने के लिए 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, थाली में ऐड करते हैं। दूसरी कटोरी भी गेहूं का आटा ऐड करते हैं। हमने गिलास पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लेते हैं इस तरह से। पानी ऐड करते हैं, आटे को गूंद लेते हैं इस तरह से। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरह से हथेली की सहायता से आटे को गूंद लेते हैं। आटा हम जितना गूंदेंगे हमारी रोटी उतनी सॉफ्ट बनेगी। आटे को गूंद कर तैयार कर लिया है, ढक्कर रख देते हैं 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। 15 मिनट हो चुका है, खोल कर चेक करते हैं, आटा अच्छे से सेट हो चुका है। इसे मसल लेते हैं हल्का सा। मसलकर रोटी बनाने के लिए तैयार कर लिया है, चलते हैं रोटी बनाते हैं। आटे से छोटी सी लोई काट लेते हैं इस तरह से, इसको गोल कर लेते हैं। इस तरह से हाथ से दबा लेते हैं, सूखा आटा लगाते हैं। इसको हाथ से बढ़ा लेते हैं इस तरह से, सूखा आटा लगाकर बेल लेते हैं। रोटी को हम इस तरह से थोड़ा सा बेलेंगे, फिर सूखा आटा लगाएंगे। इस तरह से झाड़ लेंगे आटे को, रोटी को बेल लेते हैं इस तरह से। रोटी को फुल साइज में बेल कर तैयार कर लिया है इस तरह से। रोटी बनाकर तैयार कर लिया है, इसे प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से 2-3 रोटी और बनाकर तैयार कर लेंगे, फिर इसे सेकते हैं। लो टू मीडियम आंच पर तावे को रखा था गर्म होने के लिए, तावा गर्म हो गया है। रोटी ऐड करते हैं, रोटी को एक तरफ हल्का सेकते हैं, दूसरी तरफ पलट लेते हैं इस तरह से, दूसरी तरफ पका लेते हैं सही से पूरा। कपड़े से रोटी को इस तरह से हर तरफ से दबा कर सेक लेते हैं। रोटी को दूसरी तरफ पलट लेते हैं, रोटी पक गई है अच्छे से। इसको इस तरह से फुला लेते हैं तेज आंच पे दबा के कपड़े की सहायता से। रोटी अच्छे से फूल गई है, बनकर तैयार हो गई है। इसे निकाल लेते हैं, दूसरी रोटी ऐड करते हैं। इसको हम दूसरी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तब हल्की सी हो गई है, दूसरी तरफ पलट लेते हैं, अच्छे से सेक लेंगे दूसरी तरफ। रोटी दूसरी तरफ अच्छे से पक गई है, गैस पे सेक लेते हैं इसे तेज आंच पर। रोटी बहुत अच्छे से फूल कर बन गई है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तीसरी रोटी ऐड करते हैं, इसको हम तीसरी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। इसको एक तरफ से हम हल्का सेक लेंगे, दूसरी तरफ से पलट लेते हैं, दूसरी तरफ अच्छे से पका लेंगे। आंच को मीडियम रखा है, तेज आंच में रोटी जल जाती है। रोटी दोनों तरफ से अच्छे से हो गई है, रोटी को सेक लेते हैं।
जाली पे ऐड करते हैं। रोटी बहुत अच्छे से फूल गई है। रोटी को निकाल लेते हैं। रोटी बनाने का तरीका कैसा लगा? इस ट्रिक को आप भी अपनाएं, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।